बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो बीमार हैं अस्पतालों में उनको भी अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज हम गए हैं हुसैना गई, तो वहाँ से बच्चों ने ना जूस वगैरह पिए हैं, तो हुसैना गई से भाभी ने कुछ चीज़ें लेनी थी उनके, यानी के मैके वाले हैं ना, देहात में रहते हैं भावलपुर, तो उस साइड पर शादी है, तो भाभी ने वापस भावलपुर जाना है, यानी के खाला की बेटी जो होती है ना कज़न, उसकी शादी है, तो इस तरह से वो शॉपिंग करने गई है, तो हम भी साथ में घूमने फिरने के लिए गए हैं। तो ये हर चीज़ों के रेट डबल हो गए हैं और उज पर हैं, और कल शब बारात थी तो किस किस ने इबादत की। अल्लाह पाक सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अमाल नामे भी दाएं हाथ में दे। आखिर जाना तो है सभी ने, अल्लाह पाक आगे की हमारी आसानी फरमाए। आमीन। तो यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, जैसे बच्चों के हेयर कैच होते हैं, क्लिप वगैरह। ये सूट लगा हुआ था तो इसकी मैंने वीडियो बनाई, ये मुझे प्यारा लग रहा था, तकरीबन इसकी 1 लाख या 1.5 लाख कीमत होगी। शीशे में लगा हुआ था दुल्हन के लिए ड्रेस। तो ये सोनलवे की दुकान है। यासिन भी साथ में गया था और अब्दुल्ला, इलियास, आदिया, मैं, मारिया और भाभी, हम 3 जने और 3-4 बच्चे साथ गए थे। तो मारिया ने 1-2 चीज़ें लेनी थी, मोती वगैरह जो सूट बनने के लिए दिया था ना, उसके लिए चीज़ें लेनी थी। सामान वगैरह खुद ही लेकर देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जूतियाँ वगैरह लगी हुई थी, ये इलियास खड़ा हुआ है, चीज़ें वगैरह देख रहा है, ये यासीन बैठा है, बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश था, ये छोटी छोटी गलियों में भी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं सोनलवे की। यहाँ पर सेट वगैरह लगे हुए थे, तो जो 2000 वाला सेट है वो तो अब हो गया है 4000 का, जिसकी भी कीमत पूछें वही बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी भी मज़ीद महंगाई बढ़ने का सुना है कि मैं महंगी चीज़ें हो रही हैं, दिन ब दिन पेट्रोल में कीमतों का इजाफा हो रहा है। ये बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं दुकान में, प्यारे लग रहे थे। आदिया तो अभी छोटी है, ये उससे थोड़े बड़े साइज के हैं। ये यासीन भी और ये इलियास है। यहाँ पर जो मेहंदी मेल पर उठाते हैं टोकरा वगैरह, ये पड़ा हुआ है, और ये है गिलास चीज़ें, ये भी टोकरे हैं, साथ में मेकअप का सामान पड़ा है। बस इंसान ने ख़त्म हो जाना है, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होंगी। पिछले मंगल को ना मेरी सास का भी इंतकाल हुआ है, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। 1 महीने से काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि वो चरपाई पर पड़ी हुई थी, एक रात को वो गिर गई थी, बस गिरने का थोड़ा सा बहाना बनाए और
पता ही नहीं चला, 15-20 दिन बीमार हुई हैं, तो अब अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अब एक हफ्ता गुजर गया है उसकी, उसको यानी कि फौत हो गए हुए हुए, तो बस सभी ने बारी बारी जाना है। इसी 15 की रात को, जो शबान की रात गुजरी है ना, इसी रात को कहते हैं कि अल्लाह पाक फैसले करता है, जितना हमें रोज़ी रिज्क मिलना होता है वो भी मिलता है इस साल में, यानी कि अगला साल जो अब शुरू हुआ है, और जिसकी मौत और ज़िंदगी लिखनी हो जितनी, वो भी लिखी जाती है। इसी रात को फैसले होते हैं, और इसी रात को जितनी भी इबादत करें कम है, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए पूरी रात। और रात का एक पहर ऐसा होता है जिस टाइम पानी हम अपने साथ भर कर रखें और इबादत करते रहें, तो पानी भी दूध बन जाता है। बस अल्लाह की शान और कुदरत है, जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कम है। ये हमने अपनी कचनाल से कचनाल तोड़ी थी, तो काफ़ी सारी जमा हो गई है, तो मैंने सोचा आप सबको दिखाएं कि कितनी हमारी कचनाल ने कचनाल दी है। अभी और भी बूटे के ऊपर यानी कि पौधे के ऊपर लगी हुई है। ये यासिर खुश हो रहा है, अब्दुल्ला ने भी साथ तोड़वाई थी, क्योंकि हम एक एक दाना तोड़ते हैं ना, जो बेचने आते हैं उन, वो तो समझ लें लकड़ियाँ भी साथ तोड़ कर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बेचनी होती है, हम मोटा मोटा एक एक दाना तोड़ते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके तोड़नी पड़ती है। बस कोई भी काम हो, मेहनत तो लाजमी बनती है ना, ऐसे बैठे बिठाए तो कोई चीज़ भी हाथ में नहीं आती, चीज़ें लेनी है तो बाहर जाना पड़ता है, पैसे चाहिए तो कमाना पड़ता है, अगर खाना हो तो जाकर सौदे ले आना पड़ती है, सौदे ले आए फिर उन्हें बनाएं, फिर उन्हें पकाएं, फिर उसे खाएं, फिर आखिर में बर्तन धोएं, कितने काम फैल जाते हैं एक पेट को भरने के लिए। बस अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा रखा है 3 टाइम का। तो अब हम बाज़ार से ख़रीदारी करने जा रहे हैं, ये साइडों में सामान वगैरह लगा हुआ है, ये पंखों की अब मौसम आ रही है, अब तो हम रात को थोड़ा सा पंखा चलाते हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह अब आ गए वो भी काटता है पंखा ना चलाएं तो। अब बरामदे में सोते हैं, कमरे में नहीं सोते, बाहर का मौसम अच्छा लगता है। कल हम गए थे मंगल बाज़ार, और मंगल बाज़ार से जब वापसी पर आए तो धूप इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था, तो वापस आकर हलवा पकाया और रोटी सालन बनाया, सफ़ेद रंग की जो होती है मैदे की रोटी वो पकाई थी, तो आप सब ने भी पकाई होगी, बच्चे तो शौक से खाते हैं जो सफ़ेद वाली रोटी होती है ना, मैदे को हम तो पिसी बोलते हैं, पिसी की रोटी बनाई थी, तो बच्चों ने सुबह शाम शौक से खाई है सफ़ेद रोटी। मेरा जो मुर्सलीन है वो तो कहता है कि रोज़ यही रोटी हो, बाज़ार के पराठे और रोटी वो पसंद करता है, वैसे सेहत के लिए तो अच्छी होती है, जो घर का हम गंदम का आटा बनाते हैं, बस सबकी अलग ही पसंद होती है। ये जूतियाँ वगैरह रंग बिरंगी लगी हुई हैं, तो अल्लाह पाक सबको अच्छे काम और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। बस तरह तरह की चीज़ें हैं बाज़ारों में, ढेर सारे जिनके पास पैसे हैं वो तो हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो देखकर खुश हो जाते हैं।
बस अल्लाह पाक ने जितना दिया बस इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी वक्त गुजर रहा है अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक सेहत की बादशाही दे। सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। इस तरह इंसान अपने काम काज में लग जाता है, और अगर बीमार हो तो वो तो चरपाई पर मायूस होकर पड़ा रहता है। वैसे बीमार होने से भी इंसान के गुनाह कम होते हैं। जो बीमार होता है उनको उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के वो करीब होता है जो बीमारी परेशानी में हो। तो हमें भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, जितने कदम चल कर जाएँगे बीमार को पूछने के लिए तो उतना ही हमें सवाब मिलेगा। तो इस तरह से हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। एंड आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा साथ दें, और आप सबने हमें दुआओं में याद रखना है। आमीन। अल्लाह हाफिज़।